कंट्रोल पॉलिसी में काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सारी पार्टियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। अभी आगे चल के आगे कौन सी पार्टी आएगी, यहाँ तक की बातें आ रही है कि भाई इलेक्शन की प्रोसेस रहेगी भी कि नहीं रहेगी। देखिए बड़ा कोई काम नहीं जी, ये सारी मार्केटिंग है, प्रोपोगेंडा जा रही है, सब चीज़ें लोगों को देखिए मिल पाएगा। तो देखिए ये एक और आपने एग्जांपल बताया, एक और एग्जांपल बताई कि कोई भी व्यक्ति जो सनातन के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है, इंडियन स्टेट टूट के पड़ जाती है और उसे बर्बाद कर देती है। मैंने कहा ना कि इंडियन स्टेट इज एंटी हिंदू, इंडियन स्टेट, स्टेट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल एंटिटी इज होस्टाइल टू द सनातन सिविलाइजेशन कल्चर। देखिए बहुत दुखद है, बापूजी ने जिस तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कार्य किया, एक षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया, और आप देख लीजिए चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके खिलाफ है और उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें भी प्रताड़ित करने का कार्य करती हैं। एकम सनातन भारत दल का पूरे तरीके से मानना है कि आसाराम जी बापू को तत्काल प्रभाव से जेल से रिहा किया जाना चाहिए। एक ऐसा केस जब जिसके ना पैर है ना जिसके हाथ हैं और एक फर्जीवाड़ा सारा किया हुआ, मुझे लगता है कि उससे बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं जाता हूँ, तो केस के बारे में मुझे जानकारी है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली उन्हें टारगेट किया गया है। मैंने आपको पहले भी ये कहा, देखिए कि कोई भी सनातन के सशक्तिकरण के लिए असल में अगर कार्य करेगा तो उसे खत्म करने के लिए भारत का राजतंत्र खड़ा हो जाएगा। मोदी जी इज़ नो एक्सेप्शन। मोदी जी को आप सनातन या हिंदुओं के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति मत समझिए, हिंदुओं को मोबिलाइज करके इमोशनली एक्सप्लॉइट करके उनके वोट बटोरने वाला मदारी आप समझ लीजिए, तो वो मदारी का उन्होंने काम किया है। इसलिए बापूजी को उनसे कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। बापूजी ने सनातन के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, क्रिश्चियन मिशनरीज को जिस तरीके से, धर्मांतरण को जिस तरीके से उन्होंने खदेड़ा है यहाँ से, वो सनातन को मजबूत करने वाला ही कार्य है। और चूंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भाजपा हो कांग्रेस हो, ये भारतीय राजसत्ता के चरित्र के उस पहलू का एक मैनिफेस्टेशन है जो पहलू एंटी सनातन है, एंटी हिंदू है, तो उसी के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। ये पर्दा लोगों की आंखों से उठने की ज़रूरत है। बीजेपी इज़ नो डिफरेंट। कांग्रेस ने सजर कमेटी बनाई कि मुसलमानों को इस तरीके से फ़ायदा देंगे, मोदी सरकार ने, भाजपा ने 2014 से 19 के बीच में तमाम रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट की। ये कांग्रेस ने सोचा और मोदी ने तय किया कि अगर मुसलमान चाहता है मुझे IAS IPS बनना है तो उसके बच्चे को कोचिंग का भी खर्चा सरकार देगी। ये कांग्रेस ने सोचा, मोदी ने किया। इसीलिए आप इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में डाल के मत देखिए। और आज बीजेपी को आप हिंदुत्व से मत जोड़िए, कांग्रेस को हिंदुत्व से मत जोड़िए। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रहती है तो उसकी नीतियों से देखिए, नीति एंटी हिंदू है भाजपा की, हर तरीके से। किसी भी नीति को आप उठा के देख लीजिए। आपको क्या लगता है वास्तव में लोकशाही का काम हुआ है? आज़ादी से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूँ। देखिए आज़ादी से लेकर अभी तक, मैंने पहले भी कहा कि भारत की राजसत्ता इंडियन स्टेट, और जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आप जोड़ लीजिए, सरकार भी जोड़ लीजिए, पूरी पॉलिटी जोड़ लीजिए, वो हमेशा एंटी सनातन रही, क्योंकि एक इंपीरियल कंस्ट्रक्ट था। इस पे तो डिटेल्ड हमारे भाषण भी है कि किस तरीके से भारत की राजसत्ता का जियोपॉलिटिकल इंपीरियल ताकतों ने निर्माण किया कॉलोनियलिज्म को आगे चलाने के लिए। तो इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स बने, जो भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज आज हैं, भाजपा हो कांग्रेस हो, ये उन्हीं के एजेंट्स थे। ये भारत से सम होके तो कभी हुए ही नहीं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि पूरा भारतीय समाज ये चाहता है कि गौहत्या पे एक कानून बने जिसमें मृत्युदंड का या कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो, क्या वो कानून बन पाया? पूरा हिंदू समाज ये चाहता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू वहाँ से जिहाद के कारण प्रताड़ित होकर आ रहे हैं उन्हें न्याय मिले, उन्हें भारत की नागरिकता मिले, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया? आप हमारे सप्त संकल्प पढ़िए, हमने बिल्कुल साफ तरीके से उसमें कहा है, हमने ये कहा है कि भारत को नैसर्गिक राष्ट्र घोषित करेंगे, उसमें हमने ये लिखा है। और हिंदू नरसंहार देखिए, 47 में हिंदू नरसंहार हुआ जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ। 47 के बाद कई जगह राज्यों में, गुजरात में, केरला में, तमिलनाडु में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ और जम्मू के हिंदुओं का नरसंहार हुआ। आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से मुसलमानों ने कश्मीर से निकाला था, वो नरसंहार हुआ। आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज और भारत की राजसत्ता आज तक उस नरसंहार को, हिंदू नरसंहार को पलायन कहती है, माइग्रेशन कहती है। हिंदू नरसंहार को नरसंहार तक कहने की भी क्षमता इनमें नहीं है, क्योंकि हिंदू नरसंहार को अगर हिंदू नरसंहार करेंगे कहेंगे तो फिर हिंदू नरसंहार को रोकना पड़ेगा। और सुनिए, आपने कहा कि क्या ये तो इसीलिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एंटी हिंदू हैं, एंटी सनातन हैं, सनातन को कमजोर करने के लिए हैं, और उसी इंपीरियल कंस्ट्रक्ट का हिस्सा है जो विदेशी ताकतों ने कंस्ट्रक्ट किया भारत को दूसरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए, सनातन को कमजोर किया।